गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन, गुड, ओके. बच्चे, टुडे वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स एंड न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर गुड मॉर्निंग. ओके, हमने ये चैप्टर जो है, इस पोयम को जो हमने रिसाइट किया था ना पिछली क्लास में, आज हम इसके न्यू वर्ड्स देखेंगे और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. तो देखिए, न्यू वर्ड्स: क्रीपिंग, छोटी घास, जो छोटी छोटी घास होती है ना, बेल, जिसको उगने के लिए जो है जिसको सहारा चाहिए होता है ना, ग्रास दैट नीड्स टू सपोर्ट. अवेक मीन्स जागा हुआ, गॉन अवे मीन्स बीत गया या चला गया. अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका क्या है. व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट? इस कविता के पोएट का क्या नाम है, कौन है इस कविता का जो कवि है? द नेम ऑफ द पोएम इज गुड मॉर्निंग एंड द पोएट नेम इज फैनी आर बशनन. तो पोएम का नाम क्या है? गुड मॉर्निंग. और इसका पोएट कौन है? फैनी आर बशनन. अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए आपका क्या है. वाई इज द चाइल्ड इन द पोएम हैप्पी? जो बच्ची है उस इस पोएम में वो खुश क्यों है? द चाइल्ड इज हैप्पी टू सी द लवली मॉर्निंग. वो बच्ची खुश क्यों है? वो प्यारी प्यारी सुबह को देखकर बहुत ही खुश है. थर्ड क्वेश्चन, टू हुम डज द चाइल्ड से गुड मॉर्निंग? किस किस को जो बच्चा है वो गुड मॉर्निंग कहता है? द चाइल्ड सेज गुड मॉर्निंग टू द स्काई, सन, बर्ड्स, ट्रीज, बीज, एक्सेट्रा. किस किस को वो बच्चा गुड मॉर्निंग बोल रहा है? आसमान को, सूरज को, पंछियों को, पेड़ पौधों को और मधुमक्खियों को. आगे देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है. व्हाट डज द चाइल्ड वांट टू डू? जो बच्चा है वो क्या करना चाहता है? द चाइल्ड वांट्स टू प्ले. जो बच्ची है वो क्या करना चाहती है? वो भी खेलना चाहती है. वो कहती है ना, आई एम ऑल्सो कमिंग. वो भी खेलने के लिए बाहर जाना चाहती है, जा रही है. अगला देखिए फिफ्थ क्वेश्चन. व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम द चैप्टर? आप इस चैप्टर से जो है ये पोएम थी, इससे हम क्या सीखे? वी हैव लर्न दैट वी शुड गेट अप अर्ली एंड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर. हम लोग क्या सीखे हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और जो हमारी प्रकृति की सुंदरता है उसको एंजॉय करना चाहिए. तो आज आपने बेटे नीटली अपनी कॉपी में लिखना है क्वेश्चन आंसर्स और न्यू वर्ड्स. थैंक यू.